नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल के मुलताई के ग्राम कामथ में शिव पुराण कथा में शिव पार्वती का विवाह। बैतूल के मुलताई के ग्राम कामथ ईट भट्ठा में शिव महापुराण कथा में बड़े ही धूमधाम के साथ भगवान शिव जी की बहुत ही सुंदर भूत प्रेतों व पिशाचों व राधा कृष्ण नंदी जीवित झांकियां गाजे बाजे के साथ बारात निकाली गई, जो कि आकर्षण का केंद्र भी रही एवं शिवजी पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। एवं 15 अगस्त को बड़े धूमधाम के साथ भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ, जो कि छोटे से हर्षल साहू ने बहुत सुंदर गणेश का पात्र किया गया। एवं 15 अगस्त रात्रि में एक शाम शहीदों के नाम व देशभक्त गीतों के साथ छोटे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम व नगर के सभी रिटायर मेन आर्मी जवानों का समिति द्वारा श्री फल प्रमाण पत्र के साथ शानदार सम्मान भी किया गया। सुप्रसिद्ध कथावाचिका श्री वृंदावन धाम से कथावाचक सौम्य देवी जी श्री राकेशानंद जी महाराज ने शिव पार्वती विवाह का बहुत सुंदर वर्णन किया गया, जिसमें सभी शिव भक्तों श्रद्धालुओं ने बहुत ही शिव पार्वती विवाह की लीला का आनंद के एवं समिति के द्वारा महाप्रसादी का भी आयोजन हुआ। बहुत बड़ी संख्या में शिव महापुराण कथा का श्रवण किया गया, जो कि प्रतिदिन दोपहर 1 से शाम 5:30 तक, जिसमें समिति के महिला मंडल द्वारा व त्रिमूर्ति कामत ग्रुप के युवाओं ने हेमराज पहलवान, रवि साहू, सागर बजरंगी, संजू, दिनेश प्रजापति, गुलाब साहू, मदन, अर्जुन, दीपांशु गौरव, अमित गोलू, अंबू, अभिषेक, जतिन, पवन जयंत, संजू, अज्जू, विक्की व अन्य सदस्यों द्वारा सभी शिव भक्तों को कथा अधिक से अधिक संख्या में पधारकर कथा श्रवण करने को कहा गया। समिति द्वारा रात्रि 15 अगस्त एक शाम शहीदों के नाम एवं 16 रात्रि शानदार जबलपुर की सुप्रसिद्ध भजन गायिका द्वारा शिव भजन संध्या का आयोजन किया गया है व भंडारा प्रसादी 17 का भी आयोजन किया गया। शिव महापुराण कथा महिला मंडल व त्रिमूर्ति कामत ग्रुप समिति के द्वारा अधिक से अधिक संख्या में शिव भक्त शामिल होने का आग्रह किया गया है। सिटी रिपोर्टर अविनाश तायवाड़े की रिपोर्ट।